जय हिंद एमबीए ट्रेडर, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बैंक निफ्टी के एक और धमाकेदार एनालिसिस करने जा रहे हैं, ताकि जो भी लोग मंडे के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे उनको एक आइडिया लग जाए कि मंडे के दिन हमारा मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो देखिए, बात करते हैं पिछले दिनों की। पिछले दिन यानी कि पिछले दिन आपको पता है कि सिर्फ थर्सडे के दिन ही हमारा मार्केट ओपन था, और थर्सडे के बाद फिर मार्केट जब क्लोज हो गया तो सीधे मंडे के दिन ही ओपन होगा। तो थर्सडे के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ, सबसे पहले आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, फिर 15 मिनट और फिर उसके डेली टाइम फ्रेम पर भी हम बात समझेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ कि थर्सडे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ समय तक ये एक रेंज बाउंड में घूमा, और उस दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होनी थी। लोगों को उम्मीद था कि रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। तो कुछ लोगों का मैक्सिमम ज्यादातर रिटेल निवेशक ने, क्योंकि ओपन भी गैप डाउन ही हुआ था, तो गैप डाउन ओपन होने के साथ एक तो लोगों के मन में पहले से ही निगेटिविटी भरा हुआ था, और लोगों ने क्या किया था कि पहले से जब माइंड में निगेटिविटी भरा था तो पुट साइड का ट्रेड लेकर बैठे हुए थे। लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता, यह आपको ही पता है। आरबीआई का जो बैठक हुआ उसमें रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया, और जैसे ही ये खबर 10 बज के सामने आई, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और जितने भी लोगों का नीचे के साइड में यानी कि पुट साइड में ट्रेड था उनका एसएल हिट हुआ और वो लॉस में आ गए। बाकी जिन लोगों ने भी यहाँ पे सी साइड में एंट्री बनाई होगी इस लेवल पर, उन लोगों ने तक बहुत अच्छा खासा पैसा थर्सडे दिन बनाया होगा। अब ये तो थर्सडे दिन की बात हो गई, अब आगे क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लगातार एक रैली चली आ रही थी, उस रैली को थर्सडे दिन थोड़ा सा मार्केट ने ब्रेक किया, और मार्केट थोड़ा सा थर्सडे दिन इस रैली को ब्रेक करके देख रहे हैं इस लाइन के नीचे मार्केट आ गया था। लेकिन फिर से क्या होगा कि फिर से बढ़ा और ऊपर चला गया, और लेकिन अभी भी क्या है कि देखेंगे तो ये जो लाइन है, जो काफ़ी दिनों से एक मतलब बुलंदी की लाइन उसको कह सकते हैं, उसके नीचे ही मार्केट ने थर्सडे के दिन अपना क्लोजिंग दिया है। तो अब हमें देखना यह है कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये जो लाइन है जिसमें भी मार्केट फंसा हुआ है, इसके ऊपर ओपन होता है मार्केट या इसके नीचे ओपन होता है। यदि मार्केट ऊपर ओपन होता है तब तो बहुत उम्मीद रहेगा कि ये जो इसके लिए एक प्रकार से रेजिस्टेंस का काम करेगा, 41,200 का जोरिया है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधे 41,500 के लिए जाएगा। आप 41,500 के लिए जा सकते हैं, और यदि इसके नीचे ओपन होता है तब फिर हम नीचे साइड के लिए ट्रेड लेंगे। पहला तो यही 41,800 का एक मतलब 41,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक आने के लिए हम अपना पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट इन दोनों के बीच में ओपन हो जाता है तब क्या करेंगे, तब हम इंतजार करेंगे प्राइस सेक्शन बनने का। प्राइस सेक्शन बनेगा, जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। एक बार डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग मार्केट को समझ लेते हैं। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो ये जो रेंज बाउंड में था मार्केट काफ़ी दिनों से, और इससे ऊपर निकला, तो अभी भी मार्केट इस रेंज से देखेंगे तो ऊपर ही, यानी कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, अभी डेली टाइम फ्रेम पर चिंता की कोई बात नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी भी हमारा बुलंदी में है, और ये जो एरिया है जो मैंने आपको बताया है 41,200 का, जैसे ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बताया कि इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है गैप अप ओपन होने के साथ, या बीच में कहीं भी ओपन हो और इसके ऊपर जब निकलेगा, तो सीधे यहाँ से हमारा टारगेट जो रहेगा 41,500 के लिए रहेगा, जो कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, सॉरी, ये 42,000 का लेवल है। 42,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था कि 41,200 का भी एक लेवल है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी क्या हो सकता है मंडे के दिन, सारी बातें मैंने आपको इसमें क्लियर बता दी है। मन में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी आप मुझसे पर्सनली जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।